सामाजिक काम हो, सामाजिक काम में लोग बढ़ के हिस्सा लेला, बहुत कम जगह देखे के मिलेला। अभी हम बानी खरदरा में, खरदरा एगो छोटा सा गांव है आ बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कैले बनी यहाँ लोग। साथ ही साथ हम पीछे वीडियो में हो देखे कि कैसे यहाँ लोग पूरा गांव के लगभग सम्मानित करनी है लोग। सरकार के जौन महिला सशक्तिकरण के बात कही जला तो सरकार 33% करे, लेकिन कहीं जब बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले लो आ अधिक से अधिक लोग के सम्मानित कर गई। अभी बानी खरदरा हम काली माता के मंदिर पर जहाँ सतचंडी महायज्ञ होत रहा, यज्ञ के आज अंतिम दिन हो। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। अरविंद भैया समाज सेवी बने रुआ, एगो गांव से निकल के शहर में बिजनेस करते हैं, सब चीज जो ठीक बा। रुआ अस्पताल के बात कहनी हो, रुआ शिक्षा के बात कहनी हो, कैसन महसूस करते हैं रुआ अपने गांव के मुकाम पर पहुंच के? मैं तो पहले गांव के समिति जो जय माँ काली ट्रस्ट समिति बनाए हैं, भाई धर्मेंद्र अध्यक्ष जी, रमाकांत भैया जी और जितने भी सदस्य हैं, इनका जो एफर्ट है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इनका जो एनर्जी है, इनकी जो चाह है कुछ गांव के लिए करने के लिए, तो मेरा ब्रदर धर्मेंद्र मुझसे बात करता था पहले भी कि भैया कुछ करना है, तो मैं बहुत सोचता था कि यार लड़के में इतनी एनर्जी कैसे आती है, मतलब लोग अपने काम से फुर्सत नहीं पा रहे। और ये मेरा भाई धर्मेंद्र जो है और अध्यक्ष जी हैं और जो गांव के लोग हैं, मैं गांव के बहुत लोगों से परिचित तो नहीं हूँ पर मेरा आना जाना कम रहता है, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि इस प्रकार की सोच भी है। तो भाई ने मेरा बोला कि मंदिर का निर्माण कराना, बोला करिए। मंदिर से पहले मेरी इच्छा थी कि गाँव में अस्पताल और एक अच्छा विद्यालय भी हो, मंदिर भी होना चाहिए। तो भाई ने बोला नहीं, पहले मंदिर बनाते हैं। बोला ठीक है, फिर सामूहिक प्रयास करेंगे, सबका सहयोग लेंगे और जितना मेहनत हो सके करेंगे। लेकिन यहाँ के जो इनकी टीम है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि इन्होंने जो मेहनत किया है। भैया अक्सर लोग पैसा कमा के बाहर रह के चाहता, गांव के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। रहुआ के पहला एक दुगो बात बिरले उदाहरण जमे रहुआ में नहीं, सुरेंद्र शाह आ गए, राजपुर बहुत लोग बा, लेकिन ये सोच शहर बसे गांव के तरफ। देखिए, अगर भारत की तरक्की कभी होगी और भारत को विश्व गुरु बनना है तो गांव से ही निकलेगा रास्ता। ये फिलॉसफी है? नहीं नहीं, सत्य है ये। नहीं फिलॉसफी नहीं, सत्य है ये। अगर आप इसको आप इकोनॉमिकली भी देखेंगे तो भारत की जो GDP है उसमें 18% का योगदान है कृषि का, जो कम है अभी। अगर योजना और सही हो और खरदरा गांव में इतना पोटेंशियल है कि आप इसको, मैं बिहार की नहीं बात करता हूँ, खरदरा गांव आने वाले समय में भारत में अपना नाम स्थापित करेगा, ये आप देखिएगा जरूर। यहाँ के लोगों में बहुत पोटेंशियल है, उनकी क्षमता को सिर्फ उनको याद दिलाना कि आप इतना क्षमतावान है, और आप ये देखिएगा कि एक आदर्श गांव के रूप में विकसित होगा। बहुत ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सारी सुविधा सरकार आपको दे, जन भागीदारी भी कोई चीज़ होती है। अगर हम किसी चीज़ को लेने को तैयार है तो सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा वो चीज़ आपको देने के लिए। खुदरा दुकानदारों के लिए खुशखबरी, अब सिवान के सबसे बड़े होलसेल सप्लायर जींस कॉर्नर से खरीदारी करें जींस, शर्ट पैंट, टी शर्ट एंड किड्स वेयर। संपर्क करें जैन स्वीट्स से 50 कदम दूर फतेहपुर बाईपास रोड साई कॉम्प्लेक्स सिवान में, या कॉल करें 9525949737 एंड 7352427374 पर। यदि आपको मैथ में टॉपर बनना है तो टॉपर से ही पढ़ें। 11, 12th JEE मेंस एंड एडवांस की तैयारी करें विकास मैथमेटिक क्लासेज, आर्य समाज कैंपस, DAV मोड़, सीवान से। हमारी इच्छा शक्ति क्या है ये हम पे डिपेंड करता है। और भैया रुआ गांव में बने, ग्रामीण क्षेत्र में बने, गांव से बिलोंग करने भरे बाहर रहता नहीं, लेकिन गांव में वो बहुत बड़ा चीज़ रुआ साधर हुआ ना हो तो को पैर खींचे वाला, तो अगर मैं रुआ हॉस्पिटल बनाया जाता नहीं या कोई सामाजिक काम करे जाता नहीं, पैर खींचे वाली मामला है तो फिर मन खींच नहीं। ये सब जो है बेकार की बातें हैं। जब आप अच्छा काम करने जाएंगे, लोग आज़ादी की जब लड़ाई लड़े होंगे तो सारे लोग एक साथ युद्ध में नहीं गए थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ने नहीं गए थे, लेकिन जब धीरे धीरे
लोग बढ़ते गए तो कारवा बनता चला गया। आप इस मैं मेरा मतलब आप ये मान के चलिए कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गांव भारत के नक्शे में होगा, भारत में इस गांव को जाना जाएगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और जो यहाँ के युवाओं में जो एनर्जी है वो तो मैं बोला ना शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकता। अस्पताल के सोच कहाँ से आई? अस्पताल तो सरकार के बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं देखिए क्या होता है, शिक्षा और जो अस्पताल है संख्या के हिसाब से कम है और गांव में बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं जो वो छोटी छोटी इलाज के कारण जिनके साथ बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे अस्पताल, विद्यालय और शिवालय ये सारी चीज़ें हों। अस्पताल कौन सा लेवल पे होना चाहिए? हम तो मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी बनवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा अब देखिए कितना सहयोग हो, लेकिन कहा जाए तो सारंग कमिश्नर में सुपर स्पेशलिटी बहुत कम मान रहे हैं। नहीं हम कोशिश करेंगे, जो सिवान में नहीं है वो खरदरा में होगा। कमिश्नरी की कहते हैं? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ कमिश्नरी में भी नहीं होगा, वो खरदरा में होगा, हम ऐसा सोच रहे हैं। और जहाँ सोच है जहाँ चाह वहाँ पे राह तो ये मिलेगी। युवा लोग नया युवा बा ट्रेंड युवा बा जो शहर की तरफ मोड़ करता मुड़ता है अपने आप के शहर की तरफ जाए के प्रयास करता हूँ, उनका से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बेसिकली फार्मिंग भी करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत बड़ा फार्मिंग का भी काम है तो मैं उस विषय में बाद में चर्चा करूँगा। अगर आपको तरक्की करना है तो गांव के रास्ते से जाना होगा। आप लोहा बना के मोबाइल बना के और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी बना के तरक्की नहीं कर सकते हैं। अनाज पैदा करके विश्व गुरु बनेंगे ये मेरा प्रबल सोच है। हम बड़े बहुत बड़े स्केल पे हम फार्मिंग करते हैं और हो सके तो मैं अपने गाँव के लड़कों को ले जाऊँगा छत्तीसगढ़ दिखाने की फार्मिंग ऐसे होता है। और भविष्य में हो सकता है कि अगर ऐसा चीज़ें हो तो हम पूरी समिति के ले के पूरे गाँव में ही हम पूरी फार्मिंग करेंगे। देखिए रुवन नेता है ना अभिनेता है, प्रश्न रुवस नहीं के मतलब लेकिन फैन भी हम करते नहीं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बा, तो बेरोजगारी रहो गाँव में हर जगह भाई बगल के गाँव का मैं कोनो ज़्यादा दूर के ना आई तो बेरोजगारी कहते युवा लोग कहते कुछ अलग कर लेगा गाँव में। बिल्कुल हम रोजगार मांगेंगे नहीं रोजगार देंगे, ये गाँव रोजगार लोगों को देगा, रोजगार मांगेगा नहीं। ये मेरा मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ और उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ। समय लगेगा लेकिन एक समय आएगा कि लोग यहाँ पे रोजगार के लिए खरदरा में आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगर जजमा के सलाम बा, बहुत कम लोग सलाम करें नहीं तो जानते बनी रहिए खाली हम करें नहीं। धर्मेंद्र भैया बनी भैया इतना बड़ा कार्यक्रम आज रविंद्र भैया सफल होता, इतना बड़ा कार्यक्रम सफल होता है एक पीछे श्रेय के घर जाता है, ये यहाँ के युवाओं को जाता है, पूरे यहाँ की जो खरदरा ग्राम की पूरी युवा टीम है उसको जाता है। युवा जिसके साथ है वो कोई भी जंग जीत सकता है। चर्चा करनी हो हनुमान के, हनुमान के कारण देखिए उतना बड़े जंग को जीते हनुमान रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ में, हनुमान जी के साथ बानर सेना थी, अब बानर सेना जो कर सकती है उसमें गिलहरी भी था, वैसे ही गांव के कुछ कुछ लोग गिलहरी भी होंगे जो कि एक एक दाने के लेके रेती जाएंगे पुल बनेगा, वैसे काम यहाँ पे योजना हमारी कि खरदरा विकास करे और सबसे पूरे सिवान जिले में सबसे आदर्श गाँव बने, ये हमारी सोच है। चलिए बहुत कम आदर्श गांव बा, जब के सांसद लोग भी बहुत गांव के गोद लेहल लेकिन आदर्श ना बनावल। अच्छा पहल बा, पहल के सलाम बा एगो धर्मेंद्र व्यापारी साथ भैया, ये रुआ तो हमेशा राजनीति में इंटरेस्ट रखनी हर जगह से गई अब तक जब घुमा दिया बात के तो, लेकिन इतना बड़ा सोच एगो गाँव का सुदूर ग्रामीण इलाका है, कहल जाओ तो खरदरा मैंने देखा तो भारत के नक्शा में बहुत छोटा कहीं दिखी, लेकिन इतना बड़ा सोच हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी के बात करते हैं अरविंद भैया, ये सब किए उतरी धरातल पर? बहुत बहुत धन्यवाद राजा बाबू, और मैं आपके सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय निकाल के खरदरा गांव में आया। सोच हर इंसान का कब आता है ये कोई जानता नहीं है, आप ही हमारे छोटे भाई हैं, राजनीति में हम प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा बिहार से हूँ। मेरा एक सोच था और सोच ये था कि हम लोग राजनीति में जाते थे तो विधायक सांसद बोलता था कि हर गांव को एक गोद लेना है आदर्श गांव बनाने के लिए, लेकिन वो केवल मुख से, ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता। लेकिन हम लोग उतना सक्षम हैं और हमारे ऐसे ऐसे गार्जियन जब हमारे ऊपर उनका हाथ है इस गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं तो हम लोग उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। और हम अपने नवयुवक को धन्यवाद देता हूँ कि जो भी हम पहल करते हैं उसमें लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और बड़े भैया जो बोले हैं कि गांव में हॉस्पिटल का एक सपना है और ये भी होगा राजा बाबू, और हम लोग रोज़गार खरदरा में देंगे कम से कम गांव के जवार के जो लोग कम से कम 200-500 होगा, एक मिसाल जाएगा बिहार में कि खरदरा गांव वहां 500 आदमी का नौकरी दे रहा है। आप हम लोग के साथ बने रहिए और आपका सपोर्ट
सबसे बड़ा सपोर्ट तो है। लंबा टाइम रहा, मैं से कम हाँ, कमाया मैं जैम ना। नहीं, आप एकदम हमारे साथ बने रहिए, और ये एक शुरुआत है, एक मंदिर हम लोग का शुरुआत है। भैया का प्लान था कि पहले हॉस्पिटल स्कूल का, लेकिन पहले धर्म, धर्म जहाँ है वहाँ सब चीज़ होगा। हम लोग पहले मंदिर का उद्घाटन किए हैं, एक शुभ काम किए हैं, आज खरदरा में कभी हुआ नहीं था जग, वो आज किए हैं, और इतना शांति से 10 दिन के अंदर यहाँ जग संपन्न हुआ, ये हमारे नवयुवक लोगों का श्रेय है। और आने वाला समय में राजा बाबू, हम आपको उम्मीद नहीं भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ विकास भी होगा और यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। बहुत वैसे कि जग होला तो सतचंडी जग के रूल अब 5 साल कंटिन्यू हो गए, जय मन के जहाँ तक सुन ले बनी तो क्या कयास लगाओ जब 5 साल हुई पूरा। देखिए जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई होगा, 5 साल होगा हो। चलिए हमारे साथ बने समर्थन जिनके साथ है, इतना बड़ा जन समुदाय है, उनके सहयोग से सब कुछ होगा और माँ का आशीर्वाद। हमारे साथ बनी मामा, मामा का हम हमने विनोद मामा बने के साथ। मामा बहुत दूर नाम जानते नहीं सब नहीं के, लेकिन मामा खुल के कहते नहीं बहुत दूर दूर तक गए बनी सब चीज़ गए बनी स्टेज पर भी रुआ के हम देखनी हो क्या महसूस करनी है जाके युवा लोग खातिर रुआ अलग से जैसे कि रुआ लगभग बहुत आगे बनी सोचने थिंकिंग में। सबसे पहले मैं जय माँ काली ट्रस्ट खरदरा की तरफ से आपका आपके चैनल को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। खेल जगत से जुड़ा रहा और खेल जगत के से जुड़ने के बाद माँ की कृपा रही कि थोड़ा सा सांस्कृतिक मंच से भी जुड़ गया। और अरविंद बाबू ने एक बात बताया कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक लॉजिक ले कर चलना होगा कि किसी चीज़ को खेल में जीतना होता है WON, और WON आप तभी करेंगे जब आप उसको उल्टा करेंगे NOW। उस काम को तुरंत कीजिए, और वही काम हमारे गांव ने किया, जीतने के लिए उस काम को तुरंत किया। आज हमारा गाँव जीत गया है, और पूरे सिवान ज़िला में ही नहीं, आप राजा बाबू देखिएगा कि आने वाले दिनों में हम लोग एक ऐसा सांस्कृतिक मंच भी यहाँ तैयार करने वाले हैं जो शायद एक मिसाल हो, और आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसा मिसाल हम लोग कायम कर सकते हैं। हमने के प्रेम रही साथ रही, हमने के आशीर्वाद कहाँ से होता है? बिल्कुल बिल्कुल हमेशा। अरे प्रेम देखिए, मीडिया एक स्तंभ होता है, आपके माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं समस्त क्षेत्रवासियों को कि सादर आमंत्रित करेंगे हर कार्यक्रम में। अरविंद बाबू, रविंदर भैया, धर्मेंद्र सिंह आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, रमाकांत सिंह जी, गोलू बाबू और तमाम लोगों के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम एक छोटे से गाँव में, जब हम लोगों ने कलश यात्रा निकाला राजा बाबू तो हमें भी नहीं लगा, मैं तो बनारस से चल के आया था, हमें लगा कि 100-200 लोग हम लोग जुटेंगे, लेकिन अपार जन समूह, एक जन सैलाब जब उमड़ा तो हमें लगा कि रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव जा रहा है, और इसी रिजल्ट की हम कामना करेंगे, और वो आपके माध्यम से ही ये संभव है जी। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने ट्रस्ट के संचालक संभवतः कहल जा सकता है, अध्यक्ष बने सॉरी अध्यक्ष जी, रहुआ है सुदूर ग्रामीण इलाका में कार्यक्रम करें हो, कैसा महसूस करते हैं? बहुत सुंदर। हम स्वयं 40 साल नौकरी करके डिप्टी कमांडेंट से रिटायर बनी, सन 2000 में हमारे संस्थापक धर्मेंद्र जी की वजह से ये ट्रस्ट की का गठन हुआ। गठन होने के बाद हम लोगों ने एक टारगेट तय किया कि हमने करना क्या है, तो हमारी काली माँ की मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, तो पहले हमने इसको बेड़ा उठाया कि इसको बढ़िया बनाएंगे, अब वो टारगेट कंप्लीट हो गया। कैसा सपोर्ट मिला गाँव के लोग के, जो भी बावे जो भी बावे? उस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, मैंने जो अनुभव किया है, मैं डिसिप्लिन फोर्स का ऑफिसर रहा हूँ, मुझे वो डिसिप्लिन फोर्स में भी दिखाई नहीं दी जो मेरे गांव के बच्चों के और बुजुर्गों से जो मुझे सपोर्ट मिला, वो अनुशासन मिला, वो जज्बा मिला, वो ऊर्जा मिली। एगो समय रहल के रुवा के राष्ट्रपति जी प्रतिभा देवी जी पाटिल जी नौ बजले रहनी, आज गाँव में नौ जाए नहीं हो, दोनों में कितना अंतर महसूस करते नहीं? सम्मान वो मेरा सेवा काल था, मेरी कर्तव्य निष्ठा के प्रति, मेरी मेरे कैरेक्टर के लिए और मेरी वीरता के लिए वो पुरस्कार मिला था मुझे। निश्चल भाव से स्वैच्छिक सेवा के तौर पर जो सम्मान मुझे आज गांव से मिला उसकी तो मैं तुलना कर ही नहीं सकता हूँ, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो ये मुझे आज मिला मोमेंटो, वो मेरे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल की तुलना में कुछ बहुत बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। बड़ा बड़ा वादा करनी हॉस्पिटल वगैरह का तो बनी नहीं जी अभी ना आई, लेकिन फिर भी ना ना हमारा टोटली मेरी लाइफ ऑफ पॉलिटिकल रही है, मैं राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, ना ही मेरी कोई ऐसी इच्छा है। हॉस्पिटल का मैं कई डॉक्टरों से ये वार्तालाप कर चुका हूँ, और तकरीबन मुझे 90% इस तरह का
आश्वासन मिला है कि जब तक हॉस्पिटल नहीं बनता है तब तक आप अपने ट्रस्ट के पैड पर कोई भी मरीज किसी भी तरह का हो उसको आप रेफ़र कर दीजिए, मैं 20% उसमें डिस्काउंट दूंगा और सारी सुविधाएं, एक VIP की तरह से ट्रीटमेंट होगा उसका। चल VIP के तौर पर ट्रीट कर जाइए, बहुत धन्यवाद। छोटा प्लेटफॉर्म पर लंबा बातचीत नहीं कर सकते थे, पीछे ही सम्मान समारोह के वीडियो बहुत लंबा हो गया था। बना रही मैच बॉक्स के साथ आ देखत रही मैच बॉक्स और मान सम्मान प्यार रहेंगे मिलत रही तो दिन रात हम काम करने रहो जानते बने आगे काम करें देखत रही मैच बॉक्स।